एक एक भक्तों के द्वारा एक एक अपना मन इष्ट को उन्होंने स्थापित किया, उसी तरह हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अपना मन इष्ट को एक एक शिष्यों को द्वारा देकर के सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं। जैसे श्रीमान महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी से आशीर्वत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मरना, जब तक यह काम हो महाप्रभु ने अपना एक एक परिक्रमा को द्वारा हुए उन चीज को स्थापन किया है, प्रचार प्रसार किया है। अगर यह चीज को संपूर्ण मुक्त प्रग्रह कृति में अगर दिखाई पड़ता है, हमारे भक्ति प्रग्रह के सब गोस्वामी महाराज बोलते हैं ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ही महाप्रभु का इस वाणी को संपूर्ण रूप में जगत में स्थापन किया है। और उसी स्थापन में हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज भी एक अन्यतम है, क्योंकि प्रभुपाद जो प्रचार प्रसार किया उसको बाद में उनको शिष्य लोग उपयोग किए, और उसमें हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भी जिस रूप में उन्होंने सर्वत्र जाकर के प्रचार और प्रसार किया है, क्या उसमें जो मूल स्रोत कौन है, क्या इसमें मूल स्रोत प्रभुपाद है ही है, हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज भी उसमें एक विशेष है, जिन्होंने जिनको उपदेश दे करके उत्साह दे करके जिन्होंने उनको सन्यास प्रदान किया, इसलिए वे भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के लिए कहा करते थे वैराग्य योग भक्ति रसम प्रजत नैर्मा मन भीष्म कृपां बुद्धि जह पर दुख दुखी केशव गोस्वामी आश्रया। उन्होंने भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज बोला करते थे, इसलिए मानो इसमें जो मूल उत्सव है ये भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज, इसमें मूल उत्सव है जो सन्यास दे करके सर्वत्र स्वयं तो प्रचार किए ही है और इनको द्वारा भी सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए अगर बोला जाए श्री चैतन्य मनोभीष्टम, अगर यहाँ पर बोला जाए श्री प्रभुपाद मनोभीष्टम स्थापितम जनम भूतले स्वयं केशवम कदा मध्यम ददाति स्वपदातिकम, ये कोई अतिप्ति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद मानो इनको द्वारा संपूर्ण विश्व में केवल इतना नहीं, उनको बाद में भी उन्होंने तो मूल स्रोत रूप में किए थे, लेकिन इसी समय में अगर विचार किया जाए तो अगर श्री केशवम मनोभीष्टम स्थापितम जनम भूतले स्वयं नारायणम गदा मध्यम ददाति स्वपदातिकम, ये कोई अतिप्ति नहीं है। ये साक्षात रूप में ये आप लोगों को देखने पर, अगर ये चीज को आप लोगों को देखने पर ये आप लोग स्वयं ये चीज का अनुभूति कर रहे हैं, ये मोट सूत्र कैसे प्रभुपाद से और हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज स्वामी महाराज और हमारे महाराज जी स्वरूप में प्रचार कर रहे हैं, ये कोई अतिप्ति नहीं है, ये एकदम जादुल एक बहुत बड़ी एक प्रमाण है। इसलिए आज ये महापुरुष का आज तिरुभाव महामहोत्सव है, इसलिए ये तिरुभाव को महामहोत्सव बताया गया। यद्यपि विप्रलम्ब रस तिरुभाव जो विरह को विरह ही भजन का मूल है, जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं नयनम गलदास धारया वचनम गदगद हृदया गिरा उल्लभे निश्चितम बप्पु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। और जहां पर हमारे सारे शास्त्र में विरह की ही स्थापन करते हैं, महाप्रभु विप्रलम्ब रस आस्वादन करने के लिए इसी जगत में आए थे, इसी जगत में तो दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हुए ये जगत को छोड़ कर गए, लेकिन तत्वतः क्या है, तत्वतः हुए श्री राधा रानी का आदेश पर महाप्रभु का आदेश पर इसी जगत में आए, जगत में महाप्रभु का मनोभीष्ट को स्थापन करते हुए जब वे अपना नित्य धाम में अपना नित्य सेवा में चले जाते थे, यहाँ पर तो विरह दिखता है लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर एक मंजरी कैसे संपूर्ण इसी जगत में आकर के कितने कृष्ण विमुख व्यक्तियों को कितने कृष्ण उन्मुख करके कितने जीव को भगवत सेवा में लगा करके जब वे जगत को दिग्विजय करते हुए, हाँ इसलिए ब्रह्मांड तारित शक्ति धारे जाने जाने, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड को कृष्ण भक्ति रूपी मंदाकिनी रस द्वारा कैसे प्लावित करते हुए जब वे उसी जगत में जाते हैं, वहां पर श्री महाप्रभु उनका परिकर राधा रानी और कृष्ण उनको वहां पर बड़े स्वागत बड़े अभिनंदन करते हैं, उन्होंने कितने बड़े काम कर किया, इसलिए उनको कहते हैं ये विरह महोत्सव है विशेष पूर्वक रहा, मतलब मिलन जहां पर विशेष पूर्वक हुए
राधा कृष्ण का नित्य सेवा में चले जाते हैं, इसलिए उनको विरह महोत्सव कहते हैं। कहते हर आचार्यों का एक एक विशेष वैशिष्ट देखने को मिला है, इसलिए इसी आचार्य का भी बहुत बहुत बड़े बड़े वैशिष्ट लोगों ने स्थापित किया। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जगत में जिस रस को देने के लिए आए थे, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरित्रा करुणयाव तीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम, इसलिए जो स्वभक्ति श्रियम श्री के जो देने के लिए आए थे, क्योंकि ये महापुरुष का हर क्रिया में हर इनको इसी में यही चीज स्पष्ट रूप में वो स्थापन करते हैं। अभी कहते श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जनमुदले, वे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो मन अभिष्ट को इन्होंने स्थापित किया। अभी ये चैतन्य महाप्रभु का मन अभिष्ट किया है, जब उन्होंने चार चीज को महाप्रभु का मन अभिष्ट है, एक चीज था कहते श्री विग्रह प्रकाश है, ये उनका मन अभिष्ट है। कभी भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ये गौड़ीय संप्रदाय में एक जो रूपानुग धारा का एक बहुत बहुत बड़ी एक सुंदरता को स्थापन करते हुए गए। जो हमारा गौड़ीय वैष्णव है, हम जो अपना को रूपानुग कहते हैं, रूपानुग का मतलब क्या है, ये इन्होंने ये रूपानुगत्व के हर क्रिया में इन्होंने ये रूपानुगत्व को स्थापन किया, जिसके लिए प्रभुपाद ने बताया श्री रूपांग विभाव सिद्धांत धंत हरिण। जैसे उन्होंने रूपांग को जो विरुद्ध धर्म को उन्होंने खंडन करके उन्होंने जैसे शुद्ध भक्ति को स्थापन किया, ये भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज का जीवन में भी वही चीज को देखने के लिए मिलता है। जैसे उन्होंने ये विग्रह को स्थापन किया, जो कि हमारे किसी गौड़ीय मठ में ये सफेद विग्रह नहीं, सारे विग्रह में वहां पर काले विग्रह है, लेकिन उन्होंने एक सफेद विग्रह को स्थापन किया, जिसको देख करके उनका गुरु भाई कुछ लोग बोले ये क्या सफेद विग्रह कम पैसा मिलता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा पैसा काला विग्रह ज्यादा पैसा, इसलिए उन्होंने सफेद विग्रह को स्थापन कर दिया। कुछ लोग गुरु भाई ने काना खुशी किया है, इसलिए उन्होंने ये सफेद विग्रह में कैसे रूपानुगत छुपा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये चीज को स्थापन करने के लिए उन्होंने विनोद बिहारी अष्टक लिखे। अब वो विनोद बिहारी अष्टक में वो कितने तीक्ष्ण बुद्धि थे और उनका दार्शनिकता, उनको विद्वता अगर देखना है वो ग्रंथ को अष्टक को पढ़िए, और उसी अष्टक के ऊपर में हमारे महाराज जी जो टीका किया है, अगर यह चीजें जब तक कोई नहीं पढ़ेंगे, हम लोग महाप्रभु का धारा में आए, हम लोग रूपांतर करें, ये चीज हम नहीं बता सकते। इसलिए उन्होंने राधा चिंता निवेशन जैसे पुलोकिता श्री कृष्ण चरणाम पदे राधा लिंगत विग्रह, इसी श्लोक को उन्होंने राधा या लिंगित राधा राधा या अलिंगित राधा लांगित, इसलिए राधा द्वारा चिंतित और राधा को द्वारा अलिंगित, यह चीज को बताने के लिए उन्होंने जो सुखम रूप में बताए हमारे महाराज जी उसका जो टीका लिखे, उन्होंने चैतन्य चैतन्य का मानव संपूर्ण सारा सुखमा उतार दिए। इसलिए महाराज उन्होंने उनको गुरु जी को जीवन के ऊपर में जो ग्रंथ लिखे हैं, इसको हम लोगों को विशेष पूर्वक अध्ययन करनी चाहिए। अगर हम हमारे महाराज जी का हृदय को अगर हम समझना चाहते हैं, महाराज का हृदय में क्या तेजरी है, क्या उनके हृदय में संपत्ति है, अगर यह चीज को समझना चाहते हो, जरूर ये अष्ट के ऊपर में महाराज जी का जो व्याख्या है इसको आप जल्द पढ़िए, और उनका दार्शनिकता को अगर देखना चाहते हो, उन्होंने एक एक श्लोक को द्वारा जो पढ़े, एक एक श्लोक का जो गंभीर चिंतन, केवल केवल रस नहीं, केवल उसको अपने तत्व दर्शन, केवल रस नहीं तत्व दर्शन के ऊपर में रस की जो गंभीरता है, वह चीज को उन्होंने प्रकाशित किया, और महाराज उसको टीका में बड़े विश्लेषण पूर्वक उसको व्याख्या करते हैं। इसलिए पूरा उन्होंने बरहा पुराण और महा स्वप्न विलास अमृत इमिलचला का लीला महाप्रभु का जो राय रामानंद संवाद को संपूर्ण रूप में वहां पर उड़ान देते हैं। इसलिए उन्होंने यह श्लोक को स्थापन करके, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव है, इसलिए आमित भक्तिमय ठाकुर कहते हैं आमित राधिका पक्ष पाति सदा कबू नाही हेरी ताके, जे जन से जन जे भाव जे भाव से भावे ठाके आमित राधिका पक्ष पाति सदा कबू नाही हेरी ताके, ये रूपानुगत है। क्या यह रूपानुगत तो हम क्या चाहते श्याम सुंदर हाँ राधा रानी कृष्ण का चिंता करें, ये गौड़ी वैष्णव नहीं चाहते, गौड़ी वैष्णव ये चाहते हैं हमें राधा रानी कृष्ण का चिंता दुखी नहीं, कृष्ण राधा रानी का चिंता करें। इसलिए जहां पर श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी का चिंता करते 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 करते
मानव के डूबते हुए की मिथिला में वो गौर कांति को धारण किया है। इसलिए मानव इन्होंने ये विग्रह का स्थापन करते हुए उन्होंने रूपांतरित को स्थापित करते और उनका नाम जो भक्ति प्रज्ञान है, क्या नाम कद भक्ति प्रज्ञान है, कद भक्ति की विशेष ज्ञान है, कद भक्ति का विशेष ज्ञान क्या है, कद भक्ति का विशेष ज्ञान प्रेम है, कद प्रेम का चरण क्या है। अगर स्नेहमान करते करते राग जहां पर भाव अनुभव जहां तक बढ़ता है, प्रेम का अंतिम जहां पर राधारानी की भाव है। इसलिए ये भक्ति प्रज्ञान मतलब भक्ति के एक उन्नत उज्जवल रस की ये मूर्तिमान है। इसलिए उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति को भी स्थापन करते हुए उन्होंने यही चीज उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए गौड़ीय वेदांत समिति मतलब जहां पर वेद का अंत, जहां पर श्रीमद भागवत, जहां निगम तल्प तरुण गलितम फलम और सारे सन्यासी का नाम भी भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत। इसलिए वास्तव रूप में ये भक्ति वेदांत का जो तात्पर्य है, जिसको पहले पहले आचार्यों ने साधारण लोगों का धारणा है, ये वेदांत मायावादियों का ग्रंथ है। मायावादी क्योंकि उसमें संग्रह भाष्य है, सब लोग जानते हैं मायावादियों का ग्रंथ है, लेकिन वेदांत का जो असली तात्पर्य क्या है, इसलिए भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज यह चीज को ये गौड़ीय वेदांत समिति और सारे सन्यासी का नाम उन्होंने वेदांत वेदांत नाम रखकर कहते नहीं, वेदांत का अगर असली इसका अधिकार है, वेदांत ग्रंथ में ये वैष्णव का है और वैष्णव में, इसलिए महाप्रभु आने से पहले जो उसके ऊपर में दूसरे दूसरे आचार्यों का जो भाष्य था केवल दास्य रस तक उन लोगों ने दिखाया, लेकिन महाप्रभु का परिकरों ने श्री बलदेव पिता प्रभु हमारे गुरुवर्गो ने वहां पर उन्होंने श्रृंगार रस तक दिखाया। इसलिए जन्मादस्य जतः मतलब क्या, आद्य रस जन्म जतः, जिनसे आदि रस का प्रकट होता है, तो वो कौन है, आदि रस के मूल अधिष्ठात्री देवी कौन है, रास्ते रास्ते स्वरी कौन है, कहते श्रीमती राधा रानी है, जिनसे ही सारे रस की प्रकटता है। इसलिए ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन करते हुए, इसलिए ये निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये श्रीमद भागवत, भागवत का सारांश किया, जहां पर कृष्ण उद्धव के द्वारा उन्होंने भेज करके जहां पर वंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिस्मक्ष, जहां पर आशा को चरण जन बोल करके जहां पर उद्धव के द्वारा भगवान ये ब्रज प्रेम को ही और उसमें गोपी प्रेम को सर्वस्व बताते हैं। इसलिए जहां पर भक्ति वेदांत शब्द प्रयोग करते हैं, जहां पर केवल उन्नत उज्जवल रस की जहां पर दिखाई पड़ता है और वहां पर कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं, इसलिए ये चीज को उन्होंने स्थापन किया है। और शुद्ध ग्रंथ महाप्रभु का जो था शुद्ध भक्ति सदाचार ग्रंथ, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने बहुत सारे शुद्ध ग्रंथ रचना किया है और उसमें भी एक अलग अलग वैशिष्ट्य स्थापन किया। जो तुलसी आरती है उसमें पहले जो गौड़ीय भट्ट में गाते हैं नमर नमर मैया नम नारायण, वहां पर मैया शब्द आती है तुलस्त मैया, लेकिन हम जिस श्रृंगार रस को पाकर वहां पर मैया शब्द की कोई स्थान नहीं, वहां पर तो सब सखी है तो मैया शब्द कहां से, तो इन्होंने वह चीज को धारा को उन्होंने हाँ अभी भी दूसरे दूसरे गौड़ीय भट्ट में गाते हैं, लेकिन केवल गौड़ीय वेदांत समिति में उन्होंने जो तुलसी कीर्तन उन्होंने लिखा, पता नहीं कहां कहां ग्रंथों से उन्होंने सार सार चीज को लेकर के उन्होंने ये तुलसी कीर्तन उन्होंने जो लिखा है केवल ये गौड़ीय वेदांत समिति में ही उपलब्ध है और कहीं चीज उपलब्ध नहीं है, केवल गौड़ीय वेदांत समिति में ही। इसलिए और हमारी जो मंगला आरती है उनका जो कभी ये दूसरे दूसरे मठ में जाएंगे राधा कृष्ण कोई गा लेते हैं, कोई श्री कृष्ण चैतन्य महामंत्र गा लेते हैं, केवल ये गौड़ीय वेदांत समिति में ही है, जहां पर मंगल श्री गुरुगौर मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, जहां पर संपूर्ण गोविंद लीला में जो महाराज बता रहे थे और कृष्ण भावनामृत, अगर सही सही वह किसी ग्रंथ को कोई पढ़े, अगर सवेरे को कीर्तन को कोई करे, शाम जो उसके हृदय में संपूर्ण गोविंद लीला मृत और कृष्ण भावनामृत ही, कैसे राधा कृष्ण का जो निशांत लीला और कैसे ब्रज गोपियां कैसे मंजरिया उनको जगाते हैं, कैसे वहां का परिवेश, अगर कोई थोड़ी सी चिंता में पूर्वक को कीर्तन करे, समझो ये साधन भजन की एक बहुत बहुत बड़ा पद है। उन्होंने ऐसे एक कीर्तन लिखे हैं और प्रभुपाद का उन्होंने भी एक आरती लिखे जो एक अनुभव दिव्य है। प्रभुपाद उन्होंने क्या क्या उन्होंने किया है, उन्होंने पंच प्रदीप उन्होंने ये जो चीज को प्रभुपाद का संपूर्ण प्रभुपाद का जीवनी और संपूर्ण उनको जो क्रिया को, जैसे हमारे भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज जिसमें सृजनार बुद्ध बंद निकराज पाद उद्गम जो उन्होंने कीर्तन लिखा,
मानो हमारे केशव गोस्वामी महाराज ये बंगला कीर्तन, वो तो संस्कृत है, लेकिन मानो ये बंगला कीर्तन में प्रभुपाद का जीवन को संपूर्ण रूप में सामने उन्हें ला दिया, संपूर्ण रूप उनके जीवन को उन्होंने पूरा उतार दिया। कैसे उनके जीवन में क्या उन्होंने किया है, मानो ये प्रभुपाद ने आरंभ दे दिया। और इनका एक ग्रंथ है मायावादी रचना, क्योंकि भक्ति जगत में जितने सारे आचार योग में है, श्री रूप गोस्वामी तक भी जब भक्ति रसावृत ग्रंथ लिखते हैं, वहां पर भुक्ति मुक्ति क्रिया दिशा जी जावत मंगलाचरण में चीज को देते, कहते क्यों, कहते भक्ति जगत में अगर सबसे कोई बड़ा बाधक है कहते मायावाद ही ब्रह्मवाद है। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान कैसे हो स्वयं महाराज, ये एक आचार बिना काम करते हुए उन्होंने उन्होंने मायावादी जीवन लिखी। बहुत लोग मायावादी जीवन को इधर उधर ग्रंथ पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने जो एक अलग रूप के देते हुए सर्वप्रथम मायावादी रावण बड़ा था, सबसे मायावादी था जो कि सीता भी अपहरण करने चाहता था। जब इसका एक लेख किसी तरह से हमारे हरिद्वार में हमारे कोई पत्रिका में छपाया हुआ था, इस मायावादी आश्रम में कुल उनका जो निकलता था उसको थोड़ी सी कोई एक लेख पहुंच गया। आप सोच नहीं सकते इतने बिगड़ गए मायावादी लोग, और उन्होंने क्या क्या लिख कर मथुरा मठ में भेजे, जो महानगर पहुंचाने दूसरे के पास में पहुंचा, मतलब इनका थोड़ी सी एक लेख पढ़ते ही मायावादी लोग भड़क गए, उनके शरीर में आग लग गया। मतलब इन्होंने इतने जोर जबरदस्त रूप में इन्होंने मायावादी को उन्होंने खंडन किया है। इसलिए इतने सारे आचार्य का जो एक दिव्य एक वैशिष्ट है, कभी ये आचार्य के जीवन में ये सारे को सारे वैशिष्ट इनका जीवन में मिलता है। और उन्होंने संपूर्ण विश्व भर में, और उन्होंने जो गौड़ीय मठ स्थापन किया देवानंद गौड़ीय मठ, इनका जो बुद्धि है, इनका जो दिमाग का ये है, वास्तव रूप में उन्होंने जो गौड़ीय मठ का जो रूप दिया है उन्होंने रखा देवानंद गौड़ीय मठ। हाँ, और वहां पर तोरण में उन्होंने लिखा ये कौन सा तोरण है, कहते नारायणी तोरण, उनका दिव्य भावना देखो। और उसको महाराज ने चीज को बताया अच्छे तरह से, नारायणी तोरण मतलब अगर कोई भगवत भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, सर्वप्रथम भगवत भक्ति में बल क्या है, सर्वप्रथम भगवत भक्ति में बल है, महाराज बारंबार ये चीज को बताते हैं, गुरु निष्ठा। जिसको जितने गुरुदेव के चरण में जस्य देव पराभूति जथा देवे तथा गुरु तसे भी कटिता धरता प्रकाश होते महात्मा। इसलिए भगवत भक्ति जगत में गुरु भक्ति उसमें नीम है। इसलिए अगर भक्ति में कोई प्रवेश करना चाहते हैं आदो गुरु पदा से, इसलिए उन्हें नारायणी तोरण में बताए अगर भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते गुरु चरण आश्रय, और उनको निष्ठा ही भक्ति के बल है। गुरु कर्तव्य क्या करेगा, वहां पर लिखे उन्होंने परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तना, करेगा क्या, कहते भगवत कीर्तन गुरु ये नहीं बोलेगा तुम मेरा सेवा करो, गुरु उनको भगवत भक्ति में लगाएगा, भगवत भजन में उसको लगाएगा, लगाएगा तो भक्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या है, कहते वैष्णव अपराध है सबसे बड़ा। इसलिए उन्होंने इसलिए उनको हमारे सारव गोस्वामी महाराज 62 गजय सिंह उन्होंने ये उपाधि दिया है, इसलिए ये उपाधि विभूषित किया है। इसलिए उन्होंने पहले उन्होंने देखाया कैसे मथुरा का हाथी रूपी कैसे ये वैष्णव अपराध है। महाप्रभु जिसको रूप गोस्वामी को जहां पर बताते हैं यदि उसके माथी हाथा उपाधि से छिले दिए छुट जाए पाता। इसलिए भक्ति जगत में सबसे बड़ा जो खतरनाक वैष्णव अपराध है वहां पर वैष्णव अपराध उन्होंने दिखाया। और वहां पर जो गेट में जो दोनों खड़े हुए वहां पर दिखाया भागवत का जो तात्पर्य केवल भगवत भक्ति, अगर भगवत भक्ति को अगर व्याख्या नहीं करते हैं देवालय में गौड़ी मठ रखेगा महाप्रभु भागवत आठ ऐसे भागवत की जरूरत नहीं, इसमें भगवत भक्ति नहीं दिखाया। इसलिए अंदर में प्रवेश करते ही उन्होंने रखा जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने लगा छापा खाना, और जहां पर ग्रंथ पुस्तक आदि जहां पर निकलता है, इसलिए उनका नाम उन्होंने का परमार्थ खंड है जिसको बताया उन्होंने वैकुंठ वार्ताव, जिस ग्रंथ में सखात वैकुंठ से ही भगवत जगत से ही वो वार्ता कैसे बहते हुए आकर के और बृहद मृदंग रूप में संपूर्ण कैसे चतुर्दिग ये करता है, इसलिए उन्होंने रखा उसको परमार्थ खंड। उसको बाद में रखा फिर कीर्तन खंड जहां पर नित्य निरंतर जहां पर महाप्रभु की कथा महाप्रभु का कीर्तन होता है। उसको बाद में उन्होंने रखा उपास्य खंड है, इसलिए उपास्य खंड में उन्होंने उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप को भी इंगित किया है। इसलिए महाराज के सामने में उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप को भी मंदिर बना कर कैसे तीन सीढ़ी बनाए, पहले पहला सीढ़ी का जो रंग पहले नील वर्ण होनी चाहिए, दूसरे सीढ़ी का रंग होनी चाहिए हल्दी वर्ण होनी चाहिए पीला वर्ण, और तीसरे सीढ़ी उन्होंने बोले गुलाल रंग की होनी चाहिए।
कभी महाराज और मुनि महाराज ने प्रश्न किया कि ऐसे क्यों, तो उन्होंने बोले पहला जो रंग है वो पूरे नील कांति स्वरूप श्री कृष्ण का वर्ण है, दूसरे जो रंग जो पीला रंग वो उन्नत उज्जवल रस की मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती सप्त काचक श्री राधा जी का स्वरूप। बोले ये अरुण की जो ये रंग क्या है, जो गुलाल रंग सुनते ही भाव विभोर हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं उनको विनोद देने वाले, हाँ उनका अनुराग में लड़के में रखते हुए इनको जो विनोद प्रदान करते हैं जो ये रंग। उसी समय तो उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप भी इंगित दिया। महाराज बोलते हैं उन्होंने उसी समय जो सही शिष्य होता है उनको भाव को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके किसी ना किसी रूप में सिद्ध स्वरूप बताते हैं, लेकिन उनको ऐसे शिष्य होने चाहिए जो किसी को पकड़े। इसलिए बाद में हमारे महाराज भी तब उनको स्वरूप को उन्होंने स्थापित किए, जब ये राधा कृष्ण को विनोद देने वाले ये विनोद में देंगे। और उसने नाथुरा विशिष्ट को स्थापन करते हुए जिसको प्रहलाद महाराज श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम नवविधा भक्ति ही भक्ति जगत का मूल है। और उसमें जो चार संप्रदाय वो हमने ऊपर रामानुज मध्व विष्णु साहब निकाल को चरण प्रार्थना करते हैं, आप जिस चीज हमको देने के लिए आप आए और इंगित रूप में जिस चीज आप हमें दिए है इसलिए आप कृपा कीजिए, जैसे कभी ना कभी उसका एक बुद्ध भी श्री महाराज का आधिपत्य में कभी ना कभी स्पर्श करके हमें सौभाग्य वेरी गुड। He has remembered me now so many things. He remembers, I have forgotten, but he remembers.